आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा अब कांग्रेस 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करें। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चुनाव में न जीत पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेवारी उनकी है। शिवराज सिंह ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए हैं वो पूरा करें। शिवराज ने सभी केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने जिस तरह से सहयोग किया वह काबिले तारीफ है, ऐसा बहुत कम होता है जब केंद्र इस प्रकार से राज्य की सहायता करता है। ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूं। मैंने क्योंकि संख्या बल हमारे पास नहीं था, हमने फैसला किया ऐसे में हमको सरकार बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, इसलिए इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी को मैंने फोन किया, उनको मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। जो अनेकों प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे उनमें निरंतरता रहेगी, उनको पूरा करने का प्रयास करेगी और जो अपने वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए हैं, 10 दिन में कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है, तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि तो राहुल जी ने कहा कि 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुझे विश्वास है कि वो इन सबको नहीं, उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के किसानों को किए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि 10 दिन के अंदर वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देखना है कितने वादे पूरे करती है। शिवराज सिंह ने विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष जनता के हित में आवाज उठाता रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।